दोस्तों बात करेंगे पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम से कोई भी काम करते हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड ही हो सकता है। क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है इसकी क्राइटेरिया, डिटेल में बात करूंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। मेरे दोस्त वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे तमाम सारे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चलता हूं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहां पे पेटीएम एसबीआई कार्ड, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस 18% जीएसटी है। क्रेडिट लिमिट यहां पे 15,000 रुपये से लेकर के 10,00,000 तक आपको मिल सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 50 दिन तक इंटरेस्ट फ्री होता है। 50 दिन के बाद आपको 3.5% पर मंथ अनसिक्योर कंडीशन में, सिक्योर कंडीशन में 2.75% पर मंथ आपको इंटरेस्ट लगता है। वेलकम बेनिफिट की बात करूँ तो आरएस देखिए एंजॉय बेनिफिट अप टू 75,000 विथ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, मेंबरशिप वर्थ 750 रुपये की आपको क्या मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है। जो देखिए मेंबरशिप प्लान शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये एक साल के लिए जो है वैलिड होती है, और कार्ड होल्डर जो है उसी के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट की। 1% कैश बैक ऑन एनी अदर स्पेंड एक्रॉस मिलियंस ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर, जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं वहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो 1% का वो कैश बैक मिलता है, ठीक है, ऑल स्पेंड पे। अब देखिए एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3% कैश बैक ऑन पेटीएम मॉल मूवी एंड ट्रेवल, 2% कैश बैक ऑन अदर परचेज ऑन पेटीएम ऐप, ठीक है। पेटीएम ऐप के अंदर कुछ भी आप परचेज करते हैं 2% वहाँ पे मिल जाता है। पेटीएम से अगर मूवी की टिकट बुकिंग करते हो, ट्रेवल की कोई बुक करते हो, मॉल में कोई शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते हो, तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि आपको 3% कैशबैक मिलता है, ठीक है। स्पेंड बेस रिवर्सल नॉट अप्लीकेबल। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो है माइलस्टोन की, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप वाउचर आपको मिल जाता है। रिटेल स्पेंड एनुअल अगर आप 1,00,000 रुपये खर्च करते हैं तो। अब देखिए लॉन्च एक्सेस यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं आपको प्रायोरिटी पास मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज की। 500 रुपये से लेकर के 3,000 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज आपका कटता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप मंथ में 100 रुपये, साल में 1,200 रुपये की बचत कर पाएंगे। बी इन कंट्रोल, देखिए मैनेज पेटीएम एसबीआई कार्ड यूजिंग टू इंटेलिजेंट फीचर्स ऑन पेटीएम, बहुत सारे जो है फीचर्स आपको मिलेंगे पेटीएम पे SBI कार्ड को यूज करने के लिए, पेटीएम अप्लीकेबल फॉर SBI कार्ड, ठीक है। अदर बेनिफिट देखिए यहाँ पे क्या है, फीचर्स लाइक स्पेंड एनालाइजर, स्मार्ट स्पेंड कंट्रोल, वन टैप लॉक, अनलॉक दी कन्वीनियंट कार्ड री इशू, ठीक है। अब देखिए अदर इशू में यहाँ बात करें, कंट्रोलेस टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, एडम कार्ड मिल जाता है। एडम कार्ड के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कई सारे क्रेडिट कार्ड में, कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, किसी को भी बिना किसी जो है एनुअल चार्ज, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के उनको क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं। जो भी आपके कार्ड की लिमिट रहेगी वही उनकी भी रहेगी, और उसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल आपको ही भरना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस आपको 1,00,000 का मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस रहता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट, किसी तरीके की बिल पेमेंट कर पाएंगे, बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसको EMI में भी आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों बात करें अगर क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी से होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं तो, अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए। वहाँ पे 3,00,000 का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल पर पेपर होगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.61 लाख यानी 3,60,000 रुपये का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए, ठीक है, यानी बैक जो अपना बैक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए, साथ ही साथ बैक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस कार्ड के बिहेव पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों RC सर्टिफिकेट, यानी
आपके पास कोई भी कार है यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास फोर व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका आरसी और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपने जाना एसबीआई पेटीएम क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। ऐसे तमाम सारी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली एक बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।